नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश को, देश के नागरिकों को ये हक है कि वो ये जाने कि उनके देश के प्रधानमंत्री को कौन मारना चाहता है और उसे यानी कि मारने वाले को इस देश में क्या नहीं मिल रहा जो वो पड़ोसी देश की कठपुतली बन के नाच रहा है, पीएफआई के लिए काम कर रहा है। ये बात मैं आज क्यों कह रही हूँ, दिल सच में बहुत दुखता है। सरकार की अधिकांश योजनाओं को जिनका फायदा वो लोग लेते हैं, उससे बड़ी हैरानगी होती है कि देश का एक तबका अपने ही समुदाय का नाम बदनाम कर रहा है, सरकार की योजनाओं का फायदा भी ले रहा है और सरकार के खिलाफ काम भी कर रहा है। मैं ही नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पटना की पुलिस ने मिलकर के आतंकी संगठन पीएफआई की एक बड़ी साजिश का खुलासा करके पूरे देश को हैरान कर दिया। मैंने हैरानी की बात इसलिए की क्योंकि ये बात ही हैरानी वाली है। पुलिस का दावा है कि 22 जुलाई को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रची गई थी। अब तक 3 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन्हीं की निशानदेही पे 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ में ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी के पटना आगमन के दौरान पीएफआई से जुड़े आतंकी गड़बड़ी फैलाना चाहते थे, आतंक फैलाना चाहते थे। इसके लिए पहले से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। 15 दिन पहले इन्होंने एक ट्रेनिंग भी ली थी और पुलिस को कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई को उस बारे में सूचना मिल गई थी, जिसके बाद धरपकड़ की कार्रवाई जो है शुरू होती है। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन गिरफ्तार होते हैं, इन दोनों से लंबी पूछताछ होती है और फिर ये बात समझ के बाहर निकल के आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मारना चाहते थे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री इनके निशाने पे थे। ये आतंकी 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में एक गुप्त बैठक के हिस्सा भी बने थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की इनकी साजिश थी। और अगर आईबी के इनपुट को देखें तो इसी के बाद पटना पुलिस ने अतर परवेज और जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके पास से पीएफआई के दस्तावेज, बैनर, पोस्टर बरामद किए जिनसे इनके टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। दस्तावेज में हिंदू समुदाय के खिलाफ इनकी जहरीली सोच भी सामने आई है। इसके अलावा विदेशों से फंडिंग की जानकारी मिली है। इनके पास से मिले सबूत के मुताबिक कुल 3 बार अमाउंट इनके पास आए। पहला ट्रांजैक्शन जो होता है वो है 14 लाख का, दूसरा 30 लाख का और तीसरा 40 लाख का। और ये भी समझा जा रहा है कि इस मामले में ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। ये लोग स्थानीय, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पीएफआई, आरएसडीपीआई की बैठकों में काफ़ी एक्टिवली हिस्सा ले रहे थे। और आईबी को ये सूचना मिली थी कि पटना के फुलवारी शरीफ में झारखंड के पूर्व दरोगा जलालुद्दीन के घर में कार्यालय खोल करके अतहर परवेज देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था। उसके यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए झारखंड और बंगाल तक से लोग आ रहे थे। यहाँ पर यहाँ तक के एक पूर्व में फुलवारी शरीफ से आतंकी संगठन से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियाँ ये पता लगा रही हैं कि इनके तार पाकिस्तान समेत और किन देशों से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों से ये पूछताछ के लिए गहन पूछताछ के लिए एनआईए की टीम भी पटना पहुँच चुकी है। और गिरफ्तार अतहर का भाई मंजर
पटना में हुए बम ब्लास्ट जैसे आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। 27 अक्टूबर 2013 में गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट में भी मोहम्मद अतर परवेज का हाथ रहा है। इसने ही गांधी मैदान बम ब्लास्ट और दूसरे ब्लास्ट में शामिल लोगों के बेल करवाए थे। इसी के बाद आतंकी जो गतिविधियां थी उनमें संलिप्त होने की बात परवेज के बारे में सामने आती है। दरअसल ये लोग राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में रहते हुए पिछले 10 सालों से कट्टरपंथी संगठन सिमी को सपोर्ट करते आ रहे थे। जलालुद्दीन झारखंड का पूर्व दरोगा था और वह सिमी का भी मेंबर रहा। जलालुद्दीन के घर में रह कर के ही अतर परवेज देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। ये सब आप जान करके अब आप ये बताइए कि जो सच्चे मुस्लिम हैं, जो सच्चे सीधे देशभक्त मुस्लिम हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, उनके लिए ये क्या सोचते हैं, उनके लिए भी ये लोग कांटे बो रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हमें पता नहीं चलता कि हमारे अगले घर में क्या हो रहा है, ज़रा सोचिए और फिर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे मामलों में। क्योंकि ये जो देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं, जो लोग इनमें संलिप्त होते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारे समाज से ही आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना, पुलिस से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। कम से कम इतना तो हर नागरिक को, हर देश के नागरिक को करना चाहिए। क्या कहते हैं आप दोस्तों? आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज ये जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की है, बहुत ही दुखी मन से ये मैंने खबर शेयर की है, क्योंकि पुलिस हमेशा अपना काम करती है, एजेंसीज अपना काम करती हैं, लेकिन हम केवल सुविधाओं के लिए लड़ते हैं। हमें देश के लिए क्या करना है ये हमारी जिम्मेदारी हम लोग तय नहीं करते हैं। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ताकि समय रहते पुलिस को बताया जा सके। जय हिंद।